शर्मा फ्रॉम कैड कैम सॉल्यूशन मेरठ। और आज हम लोग इस वाले एक मशीन के पार्ट को बनाने वाले हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो मेरे पास ये आइसोमेट्रिक व्यू है, एक ये बॉटम व्यू आप समझ लीजिए, एक ये टॉप व्यू दे रखा है, एक ये सेक्शनल फ्रंट व्यू दे रखा है और इधर से एक ऑक्सिलरी व्यू दे रखा है ए से जो कि ऐसा कटा हुआ है ताकि बीच का ये दिखाई दे जाए ये कितना है। और यहाँ से एक डिटेल ये रखा है क्योंकि काफ़ी सारी डिटेलिंग है इसके अंदर, इसके व्यूज़ भी काफ़ी सारे लेने पड़े ताकि पूरी की पूरी डिटेलिंग इसके अंदर आ जाए। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ इसके बॉटम व्यू से, थोड़ा सा इधर जाते हैं और करते हैं स्टार्ट। प्लेन से क्लिक करें और ओके, ये मेरे पास आ गया है। और ये स्टार्ट करता हूँ मैं 70 दिया हुआ है स्क्वायर 70 का, तो यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे सेंटर पॉइंट ये वाला है और इधर से क्लिक और यहाँ से मैं लेता हूँ इक्वल कंस्ट्रेंट और दोनों लाइन को इक्वल कर देते हैं और इसकी डायमेंशन कर दीजिए 70। और इसके बाद बाहर की तरफ राउंड है और बीच की शेप है, सर्कल है, तो बाहर का प्लेट कितना है ये वाला मुझे ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ से अगर देखते हैं तो मुझे पता चलता है ये 82 पे स्केच पेपर में, इसको नहीं बना रहा एक पहले मैं इसी को ही बनाऊंगा। और इधर वाले पे आते हैं और यहाँ पे आके लेते हैं सर्कल लेके मैंने क्लिक किया और सर्कल अंदर वाले नंबर 10 कटाया और 10 कटाए के बाद एक और चाहिए 30 कटाया है, ये 30 कटाया लिया, 30 कटाए के बाद एक 62 कटाया है ये यहाँ पे दो थे वो आ चुके हैं। और एक शेप बनानी है इधर और इधर का, शायद ऐसा कुछ ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, एक लाइन लेता हूँ और इसे आगे तक लेता हूँ, यहाँ तक मैच जाएगी और फिर इसे थोड़ा जूम कर लीजिए वाली जो शेप है ये बनाने वाले हैं। फिर एक लाइन लेता हूँ और क्लिक किया और यहाँ तक लिया। अब फिर यहाँ से जाके आप लीजिए एंगुलर और इसके और इस लाइन के बीच का जो गैप है ये वाला, ये 30 डिग्री का है और इसे करते हैं फिनिश और ट्रिम लेके इसे मैंने कट कर दिया, कट हो गया, इससे मैच हो रहा है, बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, ठीक आ गया है। क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा ऑफसेट और ऑफसेट के लिए 30 डिग्री है ना इसी लाइन पे दे रखा है, तो जो एक्स्ट्रा है वो सब हटाना पड़ेगा और ऑफसेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से जाते हैं और यहाँ से लेता हूँ मैं ऑफसेट और ऑफसेट ये 3 का ऑफसेट है 1.5 का और सिमेट्रिक ऑफसेट नहीं चाहिए। और यहाँ से एक हुआ सेटिंग में कन्वर्ट इनपुट एज अ रेफरेंस क्लिक, और ये उधर तक जा रहा है जो कि ऐसा नहीं जाना चाहिए, तो इसे कनेक्टेड के लिए सिंगल कर्व लेता हूँ और सिंगल एक ही लिया कर्व को और कर देते हैं इसे ओके। तो सेंटर से अंदर की तरफ हो गया और ये वाला इधर की तरफ हो चुका है। अब कर देते हैं ट्रिम, ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। और ज़ूम करिए, इसे मैच नहीं हो रहा था इतने कट हो गया ये, और अंडू करता हूँ लास्ट। अब फिर इसे कर देते हैं मेन कॉर्नर, मैच नहीं हो रहा ये, फिर
extend, click off and trim. ये एक शेप में ये बन गई है और इसको मैं एक बार करके देखना चाहूँगा पैटर्न और फिलेट उसके बाद लगाऊंगा मैं पैटर्न कर लेता हूँ सर्कुलर पैटर्न के लिए मेरे पास ये है सेंटर और ये वाला नंबर ऑफ आइटम 3 360 में तो देखिए गैप आप अगर ध्यान से देखेंगे तो गैप जो है ना यहाँ से मैच हो रहा है क्योंकि 1.5 का बढ़ना चाहिए तो ये बढ़ेगा कब जब ये भी 1.5 मीटर की तरफ आ जाएगा तभी ये लेगा तो इधर का मुझे थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा तो मैं इधर से कैंसिल करता हूँ उसे और ये वाला जो था ये लाएंगे मुझे ऑफसेट करनी पड़ेगी ऑफसेट क्लिक करते हैं इसे लाइन को अंदर की तरफ आ जाएगा और ओके कर देते हैं फिर मैं ट्रिम लेता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए ये लेता हूँ तो छोटा आ रहा है तो पहले इसे एक्सटेंड करेंगे फिर ट्रिम करेंगे एक बार इसे फिर से आप पैटर्न करके देखिए अगर ठीक आ रहा है तभी हम इसे आगे लेके बढ़ेंगे पैटर्न सेंटर पॉइंट और 3 आप देखिए अभी 6 का आ गया ये प्रॉपरली आ गया तो इसे या तो ओके कर दीजिए या पहले मैं फिलेट लेता हूँ उसके बाद से ओके करेंगे तो यहाँ से लेते हैं फिलेट और फिलेट चाहिए 6 का 4 ये नई शेप रेडी हो चुकी है अब यहाँ से जाके लूँगा मैं पैटर्न पैटर्न में लेता हूँ मैं कनेक्टेड कर और फिर सेंटर पॉइंट और आइटम 3 और ओके ये शेप मेरी बन के रेडी और इधर से अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो गैप है 8 का है तो पैटर्न करने के बाद भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसे गैप बड़ा है तो मैं क्या करने वाला हूँ इसे क्लिक करते हैं और कर देते हैं डिलीट अब इसके बाद मैं क्या करूँगा एक लाइन लेते हैं या यहाँ पे जो जो लाइन है इसी को क्लिक करता हूँ और इसे कर देते हैं मिरर कर हाँ मिरर लाइन है और ओके अब इसका बेनिफिट मुझे क्या होगा मैं इसको अब ऑफसेट करता हूँ सिमेट्रिकल क्लिक और ये हो जाएगा गैप 4 का ये 4 का गैप होना चाहिए और ओके अब लाते हैं कॉर्नर और एक्स्ट्रा लाइन जो है ये सब हटा देते हैं इसे मैंने कर दिया ठीक है अब ये हो गया है अब फिलेट की बारी आती है तो फिलेट ले लेते हैं और फिलेट लेते हैं 2 का इधर 2 का है इसके बाद ये जो शेप है ये बनाने लगे तो ये जो बीच का गैप है ये 4 का है तो मैं लेता हूँ यहाँ से फिर से एक बार ऑफसेट और ऑफसेट 2 का और इस लाइन को और ओके करते हैं और यहाँ से कर देते हैं एक्सटेंड एक्सटेंड हो गया है इसको भी एक्सटेंड किया और ये 3 का कुछ यहाँ पे है तो
हूं मैं एक रेक्टेंगल और टू पॉइंट और मैच नहीं होना चाहिए, इसलिए भी आप क्लिक करिए। आप यहां से लेते हैं डायमेंशन, ये जो गैप है ये 3 का, लाइन के साथ कॉन्सिडेंस, ये लाइन 8 और स्टार्टिंग से 12। सर्किट के अंदर से कट करना रह गया है, ये बटन दबाइए, एडिट और फिर ट्रिम, जूम करेंगे और इसे काटेंगे। ये मेरा बॉटम व्यू हो गया है। अब बात आती है इसको एक्सट्रूड करने की, तो अगर हम देखें तो मुझे थिकनेस मिलेगी 3, तो यहाँ से एक्सट्रूड में जाते हैं और एक्सट्रूड में आप देखते हैं कि किस किस को एक्सट्रूड करना चाहते हैं। मुझे ये आउटर वाला कुछ इस तरीके का है, इनपुट स्केच इज नॉट वैलिड, तो लगता है कि ये कहीं से ओपन है क्या, शायद नहीं होगा ऐसा, तो इसको मिला देता हूँ, इस वाले स्केच को बाद में देख लेंगे। इसे डबल क्लिक किया और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी लाइन लगी है, और इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रही थी। ऑटो ट्रिम क्लोज और फिनिश, अब इसको हम एक्सट्रूड कर देते हैं, तो मैं लेता हूँ एक्सट्रूड और 0 और ये 3 और कनेक्टेड कर दिया, सिंगल कर भी लेता हूँ को, देखो दें कैसा आता है। ये मेरा कनेक्टेड आ गया है और थोड़ा जूम करिए और बीच का ये 3 मेरी थिकनेस इसकी आनी थी, ये मैंने ले ली है और ओके। अब आप देखिए ये ऐसा है, बीच का एक कट भी चाहिए था, डबल क्लिक और टर्न करता हूँ इसको और इसे भी सिलेक्ट करता हूँ, कट हो गया है और कर देते हैं इसे ओके। ऐसी शेप है। अब इधर से अगर मैं देखूँ इस वाले व्यू को, तो ये जो जा रहा है ये आप इधर से देखिए, ये निकल का से यहाँ से निकल भी रहा है, इस पर ये वाला गैप है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे भी एक्सट्रूड करना पड़ेगा और गैप है 1.5 का, तो मैं एक्सट्रूड देता हूँ और इसको करते हैं हम थोड़ा सा जूम और इसे कर देते हैं हम 1.5 और इसे सब्सट्रैक्शन और ओके। ये मेरी पूरी शेप बन के आ गई है बॉटम की, ऊपर से देख लीजिए। अब इसके बाद हम लेते हैं ये जो टॉप वाली शेप है, ये वाली दोबारा से चाहिए होगी, आप नीचे से या ऊपर से जहाँ से बनाना चाहें, जहाँ से आप कंफर्टेबल हो वहाँ से इसे बना लीजिए। इसकी हाइट है 18, टोटल 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 15 लेंगे अगर ऊपर से बनाएंगे तो। तो चलिए चलते हैं स्केच और ऊपर वाले फेस पे क्लिक करते हैं और ये जो स्लॉट है इधर आ रहा है कुछ, तो इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे ही ऑलरेडी है ही, तो स्केच में सिलेक्ट करता हूँ और ओके, ऐसा आ गया है। करते हैं यहाँ से स्टार्ट एक सर्कल, सेंटर पॉइंट है ये और डायमीटर इसका 82
सर्कल, तो सर्कल लगा सेंटर पॉइंट है ये, और ये बड़े वाले सर्कल तक मैच होना है। दो सर्कल एक ही हो गया और एक ही, फिर इधर से ले लेते हैं 6 का रेडियस, 12 का डाया ऑलरेडी शो हो रहा है। एक लाइन लेते हैं सेंटर से क्लिक करके, इसके एंड तक मैच कर दीजिए। आप फिर एक सर्कल लेंगे और यहाँ से मैंने कहीं से क्लिक किया, कहाँ पे है पॉइंट, इस पर जहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ से लेंगे और ये है 12 का डाया। 12 के डायमीटर के बाद अब ये ऑफसेट करना है, तो यहाँ से जाइए और यहाँ से लेंगे ऑफसेट, और ऑफसेट सिमेट्रिकल लेना है, और 12 का हाफ हो जाएगा 6, तो 6 ले लेते हैं। और लाइन है ये वाली, और ओके। फिर आती है बात ट्रिम की, तो ट्रिम ये नहीं चाहिए और बाहर का नहीं चाहिए, ये बाहर का नहीं चाहिए, अंदर का ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, और ये सेकंड वाले सर्कल तक मैच हो रही है। सेकंड वाला सर्कल ये 66 का दिख रहा है मुझे, तो मैं सर्कल में जाता हूँ और सेंटर ये रखते हैं और 66 का डाला मिला, ये हो गया है। अब लेते हैं ट्रिम, थोड़ा सा जूम करिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और ये थोड़ा छोटा हो गया है, जैसे एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये हो गया है। सर्कल में जाएंगे और इस पे जाके एक छोटा वाला अंदर का सर्किल है, उसकी डायमेंशन देख रही है, ये जो अंदर है इसके लिए शायद मुझे डिटेल में जाना पड़े, तो मैं फिर जाता हूँ, उसका नहीं ले रहा हूँ। इस वाले सर्किल के लिए यहाँ पे मेरे पास डायमेंशन है, ये मैं काउंटर बोर्ड से बाद में बनाऊँगा, और फिर इस वाले के लिए जो मुझे बनानी है शेप, वो है कुछ यहाँ से स्टार्ट करके, थोड़ा जूम कर लीजिए क्लिक, और अभी डायमेंशन करेंगे तो अपना आप सेट हो जाएगा। और फिर ये जो पॉइंट है, और ये वर्टिकल के साथ कॉन्स्टेंस, और कितना है गैप 18 का, तो इसे आप डबल क्लिक किया और कर देते हैं 18, और ये अंदर तक जाना है, तो ये अभी 2 का है, ऐसा कि पूरा इसके अंदर तक आ जाए। डबल क्लिक करिए, सॉरी गलत डबल क्लिक हो गया है, इसको मैं कर देता हूँ 3 भी कम है, 3.7 ये बिल्कुल अंदर आ गया है। और अब यहाँ से लेते हैं ट्रिम, ट्रिम लेके ये पोर्शन मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने कट कर दिया, ये आप बाद में भी कट कर सकते हैं, और इसके अंदर से ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और इसे कर देते हैं मेन कॉर्नर, तो ये और ये कॉर्नर बना देगा। अब बात आती है हमारी पैटर्न की, तो अब यूज़ करते हैं, यहाँ से लेते हैं और पैटर्न कर्व, पैटर्न कर्व में एक ये है कर्व, ये पूरा कनेक्टेड कर्व आ गया है, और यहाँ से लेते हैं सिंगल कर्व, इसको लेते हैं सेंटर पॉइंट, ये है और 4 और ओके। फिर लेंगे ट्रिम, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं, और ये कट हो चुका है, तो ये भी नहीं, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं, ये कुछ ऐसा आ गया है, तो इसमें कुछ कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा लग रहे हैं इसको, तो मैं क्या करता हूँ 18 वाला गैप जो है जूम करते हैं, और इस डायमेंशन को मैं डिलीट कर देता हूँ, स्केच ठीक हो गया है और कंस्टेंट है, और इसे फिनिश करते हैं। ये थोड़ा अंदर तक आ गया है, ऐसा
मैं यहाँ से ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में जाकर टेंजेंसी लेता हूँ और इन दोनों के जो टेंजेंसी लगा देते हैं और ये प्रॉपरली कंस्ट्रेंट हो चुका है। अब इसे करता हूँ मैं यहाँ से फिनिश और ये मेरा स्केच आ गया पूरा। एक्सट्रूड ले लेते हैं और इस पूरे को और अंदर वाला सर्किल इसको भी और आएगा ये 18x315 क्योंकि ऊपर से बना रहे हैं इसलिए हमें 15 लेना पड़ेगा और ये स्केच हमारा बन गया कम्प्लीट। ये हमारा ऐसा आ गया है। अब एक होल बचा है, ये वाला जो होल है इस होल के लिए मैं यहाँ से होल लेता हूँ और कोई भी एक होल काउंटर बोरी चाहिए और इसके सेंटर में काउंटर का डायमीटर है 7 और डायमीटर है 6, काउंटर बोर 3 और डेप्थ थ्रू है और अप्लाई कर देते हैं, ये चारों तरफ हो जाएगा इसको देख लेंगे अभी। और एक ये वाला है मेरे पास, ये भी काउंटर बोर है नीचे से जाते हैं, ये 1.5 ऑलरेडी कट हो चुका है। सिंपल इसके सेंटर पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे मुझे एक एक्सट्रूड से पहले एक एक्सट्रूड भी करना पड़ेगा। ये वाली जो डिस्टेंस है आप देखेंगे कि कुछ आगे बना हुआ है तो यहाँ से जाइए और इस वाले फेस पे क्लिक करिए और इस पर एक एक सर्कल चाहिए, सर्किल है 6 के डायमीटर पर क्लिक और इसे फिनिश करिए। सॉरी ये ऊपर निकल पाएगा तो इसको करता हूँ एक्सट्रूड इधर नहीं रिवर्स साइड में और यहाँ से ऊपर 5.2 टोटल है -1.5 और ये यूनाइट हो जाएगा और ओके। देखिए कुछ इस तरीके है और अब यहाँ से एक सर्कल मुझे कट करने के लिए होल चाहिए, होल लेना है, एक सेंटर पे होल ले लिया है और इसे कर देते हैं कट। इस वाले होल को सिलेक्ट करते हैं और इसे कर देता हूँ पैटर्न और सर्कुलर और 4 चाहिए और ओके। तो ये था हमारा मॉडल जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लग रहा है। होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। क्वेरीज हैं आपकी या कोई आपके डाउट्स रह गए हैं रिगार्डिंग दिस मॉडल आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उनका रिप्लाई करूँगा जरूर। मिलते हैं इस तरीके के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।